वेलकम टेक वेड गुरु मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वीडियो के अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि आपके ओ लेवल रिजल्ट को लेकर होगी ठीक है कि आपका रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर होगा जनवरी 2023 एग्जामिनेशन का ठीक है क्योंकि बाकी काफ़ी बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कमेंट में भी मेरे को पूछ रहे हैं बार बार तो मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि किस प्रकार से आपके जो रिजल्ट हैं डिक्लेयर किए जाएंगे उससे पहले उन सभी स्टूडेंट को जो हमारे चैनल के माध्यम से पास हुए हैं ओ लेवल के जुलाई दो के एग्ज़ाम में और उनके सर्टिफिकेट आपके डाउनलोड हो गए होंगे नए डाउनलोड हुए हैं तो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ पे जाके वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है जो बच्चे पास होते जाएं तो उनको एक फीडबैक हमको देना है जैसा कि इस बच्चे ने देखिए भेजा है हमारे पास ठीक है इस प्रकार की आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है तीस सेकेंड की हो सकती है या साठ सेकेंड की मिनिमम शॉर्ट वीडियो रखें एक मिनट की आपकी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर हम अपलोड करेंगे अपनी शॉर्ट वाले प्लेलिस्ट में ठीक है यहाँ पर आपका जो भी होगा अपलोड की जाएगी तो जो बच्चे पास होते जाएँ सर्टिफिकेट मिलता जाए वो एक मिनट की वीडियो का फीडबैक बताएँ कि कैसा आपको लगा हमारा पढ़ाने का तरीका नोट से कितनी हेल्प मिली प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प मिली और बाकी जो डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन होती है हमारी चैट पे वो कैसे आपको लगा जिससे कि और बच्चे मोटिवेट होंगे और चैनल पे आएंगे और तैयारी करके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके जो थ्योरी के एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे आपके 14 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक ठीक है और जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने थे 28 से 8 फरवरी तक जो कि कैंसिल हो गए थे आपको न्यू डेट यहाँ पे दी गई थी ठीक है जो कि कुछ इस प्रकार से है आपका 6 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक की जो है डेट आपको दी गई थी ठीक है अभी तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं फिलहाल तो ये क्या आपके दोनों अलग अलग रिज़ल्ट आएंगे बहुत से बच्चे इसमें भी डाउट हैं कि पहले ओ के रिज़ल्ट आएंगे जो आपके ये हुए हैं या फिर पहले प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट जो है वो नेट दोनों एक साथ ही डिक्लेयर करता है क्योंकि हंड्रेड नंबर में से ही आपको दोनों में नंबर आपको देने होते हैं फिफ्टी परसेंट ठीक है तो यहाँ पे जो आपके रिजल्ट है जैसे कि आपका जो शेड्यूल आया था उसके अनुसार देखें तो जो शेड्यूल है वो तो पूरी तरह से फेल है नायलट का अगर आप देखें यहाँ पर जो यहाँ पे नाइलेट जनवरी का कैलेंडर यहाँ पे जारी किया था इन्होंने तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो आपके 26 सितंबर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है ठीक है लास्ट डेट ऑफ़ सबमिशन के लिए 28 अक्टूबर ठीक है चलिए लास्ट डेट ऑफ़ फॉरवर्डिंग के लिए इन्होंने दिया था दो आपके नवंबर चलिए ठीक है और एग्जामिनेशन थ्योरी के ओ ए ओ ए बी सी लेवल के चौदह से तो उन्होंने कंडक्ट करा लिए थे तो यहाँ तक तो इनका सही है ठीक है लेकिन जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन है वो अट्ठाईस जनवरी से नहीं हो पाए थे तो ये तो इनका फेल हो गया ठीक है तो ये जो आपके हुए हैं छः से सत्रह फरवरी के बीच में हुए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर वन मंथ का डीले आपको दिखाई दे रहा है वन मंथ तो हम नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि सत्रह के बाद भी करवाए जा सकते लेकिन नहीं हुए और ये भी छः से काफ़ी गैप है यहाँ पर ठीक है और रिटर्न एग्जामिनेशन का देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया था ऑप्शन टू अपडेट सिटी ऑफ रीजन एग्जामिनेशन ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने देखिए टाइम दिया था 29 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच का आप इसमें चेंजमेंट करवा सकते हैं अपडेट करवा सकते हैं और और यहाँ पर देखिए लिखा गया टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ओ ए बी सी लेवल के रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च में यहाँ पे मेंशन किया गया है तो आपको क्या लगता है कि ये लास्ट वीक ऑफ मार्च में डिक्लेयर हो जाएंगे या नहीं तो आपको एक चीज़ और बता दें जो आपके ओ लेवल के एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो थर्टी फर्स्ट मार्च है थर्स थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले आप अपना न्यू एडमिशन ले सकते हैं ओ लेवल पास हैं तो ए लेवल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ठीक है और जो भी नए काम आप फिर यहाँ जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है वो री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ठीक है उनके लिए अभी डेट है लेकिन ये जो रिजल्ट है मेरे अनुमान से ये आपका अप्रैल तक जाना चाहिए मेरे अनुमान से तो ये अप्रैल के थर्ड या फोर्थ वीक तक हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है तो आपका जनवरी 2023 का रिजल्ट अनुमानित डेट है ये कोई ऑफिशियल डेट हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि तो आपका एक एग्जाम जनवरी में हुआ है एक एग्ज़ाम फरवरी में हुआ है ठीक है तो दोनों के नंबर को कलेक्ट करने में चेकिंग करने में थोड़ा सा ना टाइम लेगा दो से तीन मंथ का तो आप मान सकते हैं ये मार्च नहीं आपका अप्रैल तक जा सकता है तो सेकेंड वीक थर्ड वीक या फिर फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में आपको ये देखने को मिल सकता है ठीक है हाँ और बहुत से बच्चे पूछेंगे कि अब इसके एग्जाम लॉक कब होंगे जुलाई 2023 के तो उसकी अपडेट हम आपको बाद में देंगे लेकिन इतना मान के चलिए दो मंथ पहले ये लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मान लीजिए अगर जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होता है तो ये आपके अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके अप्रैल या मई में आपके जो है एग्जाम लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो ये है पूरी अपडेट आपके जनवरी दो के कैलेंडर के अनुसार आपके रिजल्ट को लेकर ठीक है तो फीडबैक देना ना भूलिएगा नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ सेवन डबल जीरो सेवन सिक्स फाइव नाइन फोर एट फाइव पर आपको मैसेज करके एक वीडियो क्लिप आपको बनानी है वो हमको सेंड करनी जो कि आपकी यहाँ पे अपलोड की जाएगी एज ए फीडबैक के रूप में सर्टिफिकेट अपने डाउनलोड कर लें रिज़ल्ट जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे और नई क्लासेस जो है वो मैं आपको मंडे से स्टार्ट कर दूँगा नेक्स्ट वीक से यानी कि सत्रह तक आपके प्रैक्टिकल हैं, ये मंडे यानी बीस तारीख से आपको नए बैच स्टार्ट मिल जाएंगे ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग